हाल ही में अफगानिस्तान में आए 7.5 मैग्नीट्यूड के भूकंप का केंद्र पृथ्वी की सतह से 213 किलोमीटर नीचे स्थित था। ये नेपाल में आए बड़े भूकंप के कुछ महीनों बाद ही हुआ, जिसने हिमालय की गोद में बसे इस देश को हिलाकर रख दिया था। जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। वैज्ञानिक किसी भी भूकंप का पूर्वानुमान लगाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हजारों लोगों की जान बच सके, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। लेकिन वर्षों की रिसर्च ने हमें भूकंप के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। इस वीडियो में हम भूकंप के विज्ञान को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। पहली बात जो हमारे मन में आती है वो ये कि भूकंप क्यों आते हैं? क्या ये भगवान का प्रकोप है? इसके लिए हमें पृथ्वी के निर्माण के संक्षिप्त इतिहास को देखना होगा। बहुत समय पहले पृथ्वी के निर्माण के लिए बहुत सारे मटेरियल्स एक साथ जुड़ गए। इस फ्यूजन से बहुत अधिक हीट उत्पन्न हुई और धीरे धीरे जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई, घने पदार्थ केंद्र की ओर और हल्के पदार्थ ऊपर की ओर आ गए। हम पृथ्वी को चार हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे ऊपर है पतली सी क्रस्ट, इसके ठीक नीचे मेंटल आउटर कोर और हार्ड इनर कोर। इनर कोर सॉलिड है जबकि मेंटल लिक्विड है और फ्लो हो सकती है। अत्यधिक टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंस के कारण मेंटल में कन्वेक्शन करंट विकसित होते हैं और इसका मटेरियल अंदर से बाहर की ओर फ्लो होता है, जैसा कि हम पानी के गर्म होने के दौरान देखते हैं। मूविंग मेंटल के कारण ऊपर की क्रस्ट भी मूव और स्लाइड होती है। अर्थ क्रस्ट बड़े टुकड़ों के रूप में स्लाइड करती है और इन टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ऐसी 7 प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स पूरी पृथ्वी के क्रस्ट को बनाती हैं, लेकिन वे विभिन्न दिशाओं में एक दूसरे के अगेंस्ट या एक दूसरे के साथ अलग अलग स्पीड से स्लाइड करती हैं। जिन लाइंस पर ये मिलती हैं, उन्हें फॉल्ट लाइंस कहते हैं। ये प्लेट्स साल में औसतन कुछ सेंटीमीटर्स तक मूव करती हैं। प्लेट्स का ये अत्यंत धीमा डिफरेंशियल मूवमेंट ही भूकंप का कारण बनता है। देखते हैं कैसे। एक रबर बैंड लेते हैं। आप रबर को तब तक खींच सकते हैं जब तक कि ये अपनी लिमिट तक पहुंचकर टूट नहीं जाता, और इस समय रबर बैंड में स्टोर्ड सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है। हम सब ने ये देखा है। हम सब अपने दोस्तों को गुलेल से मारने की कोशिश करते हैं। अब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स इलास्टिक और ब्रिटल रॉकी मटेरियल से बनी होती हैं, जो एक दूसरे के अगेंस्ट बहुत धीरे धीरे स्लाइड करती हैं और रबर बैंड की तरह एनर्जी स्टोर करती हैं। और जब वे और अधिक एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाती तो वे अलग हो जाती हैं। फॉल्ट पर अचानक होने वाले स्लिप की वजह से स्टोर्ड इलास्टिक एनर्जी रिलीज होती है, जिसके कारण भूकंप आते हैं। वास्तव में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। उदाहरण के लिए 2001 में भुज में आए भूकंप में हिरोशिमा न्यूक्लियर बॉम्ब से 400 गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी। ये रिलीज्ड एनर्जी सीस्मिक वेव्स के रूप में फैल जाती है, जो पृथ्वी की सतह पर ट्रेवल करती है। इन वेव्स से जमीन बहुत जोरों से हिलने लगती है और तबाही का मंजर सामने आता है। भूकंप खत्म होने के बाद प्लेट्स का मूवमेंट और एनर्जी स्टोरिंग का प्रोसेस फिर से फॉल्ट लाइन पर शुरू हो जाता है, और ऐसा लगता है मानो ये फिर से अगले भूकंप की तैयारी कर रही हो। अधिकांश भूकंप फॉल्ट लाइन या जहां प्लेट्स मिलती हैं उन्हीं जगहों पर आते हैं। हालांकि कुछ भूकंप फॉल्ट लाइंस से दूर भी आते हैं, जैसे 1993 में भारत के लातूर में आया भूकंप। इन जगहों पर प्लेट्स टूटती है, जिसके कारण नई फॉल्ट लाइंस बनती हैं। तो हमने देखा कि ये विनाशकारी प्राकृतिक प्रक्रिया मोल्टन अर्थ के कन्वेक्टिव करंट के कारण होती है, जिसके कारण पृथ्वी की क्रस्ट स्लाइड होती है और स्लिप हो जाती है, जिससे स्टोर्ड इलास्टिक एनर्जी रिलीज होती है और भारी तबाही का कारण बनती है।